अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े के और बहुत ही लाइट वेट सैंडविचेस की, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग सैंडविचेस बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं एग। मैंने दो अंडे ले लिए, उनको हार्ड बॉयल कर लिया है। मैंने यहाँ पे आधी गाजर ली है और इसको ना इस तरह से बारीक काट लिया है, जूलियन कट काट के उसको बारीक कट लिया है, ठीक है। साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, उसको भी इस तरह से बारीक काट लिया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ही कलरफुल सैंडविच होगा उतना ही खाने का मज़ा आएगा। और यहाँ से थोड़ी सी बंद गोभी ली है, उसको भी इस तरह से बारीक काट लिया है। और आपको चाहिए मायनीज। मेरे पास यहाँ पे मायनीज और क्रीम मैंने मिक्स करके रखी हुई थी, उसमें नमक और काली मिर्च डाली हुई थी, तो मैं इसे यही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये ना भी हो, आप क्रीम ऑप्शनल है, कुछ डालते हैं कुछ नहीं डालते, क्रीम से थोड़ा हैवी हो जाता है, तो आपकी मर्ज़ी। आप खाली मायनीज, नमक और काली मिर्च डालें। तो सबसे पहले हम अंडे को अच्छी तरह से कांटे की मदद से मैश कर लेंगे। ये देखिए, आपने इस तरह से अपने जो अंडे हैं उनको अच्छी तरह से फेल मतलब कि अच्छी तरह से आपने इनको ना पीस पीस कर लेना है फोर्क की मदद से। अब हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें डालेंगे गाजर, बंद गोभी डालेंगे, जो धनिया हमारे पास वो भी डाल देंगे। अच्छा, एक सैंडविचेस वो भी बनते हैं कि आप उसमें वेजिटेबल्स ना डालें, बस खाली अंडे ही डाल के एग मायो सैंडविच बनता है, वो भी बहुत अच्छा बनता है। मुझे ये पसंद है, मैं ऐसा बनाती हूँ, आप भी ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आए। अब हम इसमें अपनी मायनीज डालेंगे। पहले 2 टेबलस्पून डाल लीजिएगा, उसके बाद चेक कर लीजिएगा, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और डालेंगे। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और कितना कलरफुल है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको नमक और काली मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मुझे उतनी ही ठीक है जितनी मेरी मायनीज में थी। तो चलें अब हम इसकी बाकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको उतार लेंगे। अब हम अपना बैटर अपने स्लाइस पे लगाएंगे। आपको इस पे पहले कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मायनीज ना बटर, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा क्रीमी हमारा मिक्सचर है और ये बहुत मज़े का बनने वाला है। इस पे लगा के अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप जब मायनीज डालेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा 1-2 सिप दूध के भी डाल सकते हैं, क्योंकि मायनीज थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी थिक होती है, तो उसमें आप दूध डाल के उसको सॉफ्ट कर लीजिएगा। इसमें क्रीम थी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये देखिए, अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। अब इस पर स्लाइस रख देंगे और इसको सेंटर से कट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं, आपको सेके हुए स्लाइस ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको सेक भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी, क्योंकि ये एज अ कोल्ड सैंडविच खाए जाते हैं और बहुत ही लाइट वेट ये सैंडविचेस हैं। आप इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें कितने कलरफुल और कितने मज़े के सैंडविचेस हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो उसे थम्स अप करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।